फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर, लास्ट है क्योंकि मम्मी को आईब्रो बनवाना था और ब्लीच करवाना था, इसलिए भागने वाला बात है। आप तो ऐसा बात तो नहीं करते, अगर ऐसा बात रहता तो देते हो आदमी से लेकिन नहीं दिमाग से। हां तो थोड़ी उठो लेते देखते थे आदमी ऐसा है दूसरी बात नहीं। हां ठंडा गर्मी एलर्जी हो रहा है। चलो उधर गए थे शिव प्रसाद के यहाँ गए थे और ये मॉल गए उधर से होते हुए आपके यहाँ आए, तब वो पैसा घट गया वहाँ पे, तो हम कहे कि उनका नंबर है ना, उनके नंबर पे डाल दिया बुआ। कि जैसे हम लोग इस क्रॉप का पिक लिए हैं उसका ना स्कर्ट का ही प्राइस लिखे हुए था प्राइस टैग में, ब्लाउज का प्राइस टैग आदमी को क्या लगेगा ब्लाउज स्कर्ट दोनों एक साथ होगा 1000 का, लेकिन फिर वहाँ पर जब गए बिल चुकाने तो बताया ना कि स्कर्ट का अलग है ब्लाउज का प्राइस अलग है। हम बोले कि पार्लर में भर गया पैसा, तो ये बोले कि भेजते हैं बउआ को, अगर आएगा नहीं तो नहीं होगा, तो ऐसे नंबर है आपके हस्बैंड का नंबर है ना 500 उसके भी भिजवा सकते। देख लेते फोन पे भी है ना। हाँ तो है, ठीक है, हम तो पहले बोले थे चला, ठीक है पापा को दे देंगे ना, उसी पर कट जाएगा। महीने के बाद आईब्रो बनवा रही हो? कम से कम हमको लगता है 4-5 महीना हो गए।